क्या चाहते हो? भरत, तुम धर्म की धुरी हो। ये चित्रकूट में ही भगवान कह रहे हैं, रामायण की चौपाई पढ़ो, चित्रकूट में भगवान राम की वाणी से निकला, भरत तुम धर्म की धुरी हो। आगे स्पष्ट लिखा हुआ है, तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। लोक मत वेद मत ये दोनों ही मत कह रहे हैं कि भरत धर्म की धुरी है। धर्म की धुरी को चाहिए कि धर्म को सुरक्षित करे। क्यों भाई, धुरी क्या करती है? जल्दी बोलो, धुरी का काम क्या है? जैसे रथ में धुरी होती है, गाड़ी में धुरी होती है, तुम लोग तो किसान हो, अब ट्रैक्टरों का जमाना आ गया, पहले तो बैलगाड़ी का जमाना था। अच्छा, बैलगाड़ी का जमाना था तो गाड़ी में धुरी होती थी कि नहीं होती थी? ट्रैक्टर की ट्राली में भी धुरी होती है कि नहीं होती है? बिना धुरी के ट्राली रहती है क्या? धुरी होती है कि नहीं होती है? अच्छा एक बात बताओ, पूरा वजन कौन सहती है? बोलो भाई, ट्राली में भरा माल गन्ना और वजन सह रही धुरी। क्यों भाई, धुरी सह रही वजन की नहीं? और मैं ट्राली ट्रैक्टर धुरी के वजन सहती है धरती? बोलो सहती है धरती की नहीं? इसका मतलब है कि धरती पर धर्म रहता है, धरती पर धर्म रहता है। अर्थ क्या है इसका सुन लीजिए अब ध्यान से। इसी धरती पर धर्म रहता है, लेकिन धरती और धर्म के बीच में जो धुरी के रूप में होता है वो संत होता है प्यारे, जो धर्म की धुरी होता है। इसलिए भरत क्या है? धर्म की, रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है। लेकिन धर्म की धुरी कौन है? भरत है। हे भरत, तुम धर्म की धुरी हो, तुम ही बताओ, राम को अयोध्या में ले जाकर राजा बनाना चाहते हो कि धर्म को जीवित रखना चाहते हो? यदि राम वन में रहेगा तो धर्म जीवित होगा। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पै सुरन राखे निज सुत से तू, ओ जग विस्तार है विसद जस राम जन्म कर हेतु। राम का जन्म भरत सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हुआ है, राम का जन्म तो राक्षसों का वध करके संत महात्माओं को सुखी बनाकर धर्म को सुरक्षित करने के लिए हुआ है। इसलिए धर्म की रक्षा करना राम का परम धर्म है। अब भरत तुम्हें बताओ, तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या वापस चलूं या धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रह जाऊं? बोलो जल्दी, क्या चाहते हो? अब एक बात बताओ, राज महत्वपूर्ण है कि धर्म महत्वपूर्ण है? बोलो, धर्म महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर धर्म सदा सदा के लिए चला जाए, और राक्षसों ने प्रतिज्ञा की है कि हम धर्म रहने ही नहीं देंगे, हम धर्म रहने नहीं देंगे, बोलो ये प्रतिज्ञा किसकी है? राक्षसों की प्रतिज्ञा है कि हम धर्म रहने नहीं देंगे। और भगवान राम कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं राक्षसों को नहीं रहने दूंगा, मैं राक्षसों को नहीं रहने दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और रावण की प्रतिज्ञा है, मैं धर्म नहीं रहने दूंगा, और राम की प्रतिज्ञा है कि मैं राक्षसों को नहीं रहने दूंगा। तो अब तुम ही बताओ भरत, रावण की प्रतिज्ञा पूरी हो कि राम की प्रतिज्ञा पूरी हो? बोलो जल्दी। अब भरत जी ने अयोध्या वासियों से कहा, बोलो बोलो जल्दी, किसकी प्रतिज्ञा पूरी होना चाहिए, रावण की कि राम की? रावण की प्रतिज्ञा है कि मैं धर्म नहीं रहने दूंगा, और राम की प्रतिज्ञा है मैं राक्षसों को नहीं रहने दूंगा। तो अब तुम ही बताओ भरत, क्या डिसीजन लेना चाहिए मुझे? भरत जी ने कहा, प्रभु डिसीजन
क्या बताऊं आपको, निवेदन कर सकता हूं? हां तो निवेदन करके बताओ क्या। भरत को जीने के लिए आधार दे दो और अयोध्या वासियों के लिए भी वो आधार हो, और 14 साल तक अयोध्या वासी भरत ये सब सुरक्षित रहे, इसके लिए कोई आधार दे दो, इसके लिए आधार दे दो। नहीं क्या मतलब निकला कि इधर आप आगे राक्षसों को मारते चले गए और इधर पीछे अयोध्या वासी आपके वियोग में मरते गए, तो फायदा क्या होगा? इसलिए राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा आपने की है, वो प्रतिज्ञा आपकी पूरी हो, लेकिन अयोध्या वासियों को जीने के लिए कोई आधार मिल जाए, भरत को जीवन जीने के लिए कोई आधार मिल जाए, बस यही उपाय आप कृपा करके करिए। भगवान ने कहा तो आधार बतावे। साधु संतों के लिए, भक्तों के लिए जीने का आधार जानते हो क्या है? भगवान का चरण। और यदि भगवान का चरण न मिले तो भगवान का चरणोदक। बोलो जल्दी, जीने के लिए आधार किसको मानते हो? या भगवान का चरण या भगवान का चरणोदक। इसलिए मंदिर में जाते हो, रसगुल्ला मालपुआ चकाचक रखे हो, लेकिन पुजारी से पहले यही कहते हो थोड़ा चरणोदक दे दो, कि मालपुआ मांगते हो? मालपुआ तो मिलेगा ही, जो भोग लगा है वो तो प्रसाद रूप में तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से ईमानदारी से बताओ क्या मांगते हो आप? चरणोदक। क्यों? ये चरणोदक ही जीवन का आधार है। बोलो है कि नहीं? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ता आए बसे बहु चोरा, मैं एक मित बट मारा, ओ सुनिए न मोर पुकारा, अब सुनिए रघुवर रामा, लूटे तस्कर तो धामा। तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 प्रकार के शत्रु हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। हे राम, हे प्रभु, ये विकारों को भगाइए भगाइए भगाइए, कृपा करके आप आइए आइए। तो भगवान यही कहते हैं कि आने में हमें थोड़ा विलंब हो जाएगा, लेकिन इनको भगाने के लिए मैं कहता हूं मंदिर जाइए और चरणोदक लीजिए, और जैसे ही चरणोदक लोगे पियोगे तो ये सारे विकार चले जाएंगे। बोलो, तो ये विकार जो जाते हैं चरणोदक पीने से ही जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो राम जी के चरण दुर्लभ हैं, लेकिन राम जी का चरणोदक सुलभ है। बोलो है सुलभ कि नहीं? और चरणोदक अगर, अभी केवट का प्रसंग आपने सुना था ना, केवट ने भगवान के चरण मांगे के चरणोदक, जल्दी बोलो, चरण मांगे के चरणोदक, जल्दी बोलो, चरणोदक मांगा उसने, मांगा कि नहीं मांगा? पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई, चाहो आप चले जाइएगा लेकिन चरणोदक दे दो, बस केवल चरणोदक चाहिए। बोलो चाहिए चरणोदक कि नहीं? तो राम जी पास में आ गए, चरण भी सामने देख रहा है लेकिन चरणोदक की डिमांड कर रहा है कि मुझे चरणोदक चाहिए, क्योंकि चरण मिल जाएंगे ये चरण चल के कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन चरणोदक मिल गया तो अंदर ही रहेगा। क्यों भाई? चरणोदक मिल गया तो कहां रहेगा? बोलो जल्दी। हाँ, समझदारों के लिए इशारा काफी है, वैसे तो सब समझदार बैठे हैं। चरणोदक, इसलिए मैं कहता हूं चरणोदक चाहिए। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज का मतलब है चरणोदक। केवट ने भी चरणोदक मांगा था, पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई, चहो मोहे राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो। और एक बात बताएं, भरत जी भी क्या मांग रहे हैं? आपन दारुण दीनता सब कहो सिर नाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। भगवान के पद मांग रहे हैं पादारविंद चरणारविंद भरत जी, लेकिन चित्रकूट जैसे ही पहुंचे तो भरत जी महाराज से भगवान कहते हैं क्या चाहिए? कहे आधार, तो कह रहे थे कि चरण चाहिए, लेकिन भगवान ने चरण ना दे करके चरण पादुकाएं दे दी। बोलो क्या दे दी? चरण पादुकाएं। बोलो दी कि नहीं दी? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी
सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने चरण पादुकाएं दी भरत को, भरत जी ने चरण पादुकाएं हाथ में ले ली। आप कहोगे भरत जी ने ये क्यों नहीं कहा चरणोदक दे दो आप? सावधान, चरणोदक भरत जी ले लेते और पान कर लेते, ये ठीक था, मान लीजिए ये तो वहीं संभव था चित्रकूट में ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सत्य तो ये है कि ये चरणोदक भरत जी पान कर लेते और चरणोदक भरत के हृदय में रहता, अंदर रहता, उदर में रहता, उदरस्त कर लेते उसको। लेकिन भगवान को वापस लौटाने के लिए भरत के पास उपाय क्या था फिर? क्या विकल्प था बोलो भाई? भगवान को वापस लौटाने के लिए चरण पादुकाएं ही विकल्प हैं, बोलो हैं विकल्प कि नहीं? लेकिन भरत जी ने चरण पादुकाएं मांगी नहीं थी, भगवान ने चरण पादुकाएं स्वयं दी हैं। ये कोई प्रमाण नहीं है कि चरण पादुकाएं मांगी हो, ये कहा था आधार दे दो तो भगवान ने चरण पादुकाएं दे दी। ये चरण पादुकाएं भगवान ने दी हैं। गोस्वामी जी कहते भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। बोले ये तो सीता ही राम जी मिल गए भरत को। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि चरण पादुकाएं चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण पादुकाएं। किसकी दृष्टि में? राम जी की दृष्टि में। राम जी की दृष्टि में चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण पादुकाएं। आप कहोगे महाराज कैसे? जैसे हम यहां आए, सुनना, तो आप हमें खोजोगे, हमारे चरण खोजोगे। महाराज थोड़ा सा चरण स्पर्श, थोड़ा सा, सारे लोगों की निगाह चरण पर रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारी निगाह रहेगी चरण पादुका पे, कोई ले ना जाए, कहीं ले ना जाए, क्यों? तो सही बताओ, ईमानदारी की बात है कि नहीं? जितने लोग बैठे हो सबकी निगाह रहेगी हमारे चरण पर कि महाराज का चरण थोड़ा छूने को मिल जाए, थोड़ा चरण, अरे कहाँ है चरण, अरे हटो जरा, चरणों तक हमें भी जाने दो। लेकिन हमारी निगाह रहेगी कहाँ? जहां हमारी चरण पादुकाएं रखी हैं कि कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। और याद रखना, भक्त कितने ही प्रेमी क्यों ना हो, हाथ पकड़ के हमें कहीं खींचे, लेकिन हम पादुकाओं की तरफ खींचेंगे, अरे हमको चप्पल तो पहनने दो, खड़ाऊ तो पहनने दो, फालतू की बात करते हो क्यों भाई? बार बार कहेंगे कि हमारी खड़ाऊं जहां रखी हमको वो पहनने दो, कहां ले जा रहे हो मुझे, कहां ले जा रहे हो मुझे? बार बार जो है खड़ाऊं, इसका मतलब ये है कि जहां पर खड़ाऊं रखी हैं वहां मुझे जाना ही पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? इसी प्रकार से भगवान ने भरत को विश्वास दिला दिया कि भरत चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से समय से अयोध्या आऊंगा, निश्चित रूप से अयोध्या आऊंगा, अरे राज्य लेने के लिए नहीं आऊंगा, अपनी चरण पादुकाओं को पाने के लिए जरूर अयोध्या आऊंगा। मैं राज्य का भूखा नहीं हूं, लेकिन मेरी पादुकाएं तुम्हारे पास रहेंगी, उन तक मैं जरूर आऊंगा। और सावधानी से समझना इस बात को, पादुकाएं साधारण नहीं होती हैं, जूते चप्पल में और पादुकाओं में बड़ा अंतर। पादुकाएं महात्मा ही पहनते थे पहले तो, अब तो सभी चटर पटर करने लगे। बहुत लोगों को मैंने देखा सभी पहनने लगे, और जो नहीं पहनते हैं वो कहते हैं महाराज ये खड़ाऊं कहाँ मिलती हैं? हमने कहा तुम्हें क्या मतलब है? बोले हम सोच रहे हम भी ले आएंगे है? हमने कहा ये खड़ाऊं ऐसे थोड़ी मिलती हैं। अरे बोले बाजार में मिल जाएंगी, आप तो पता बता दो, हम तो ले आएंगे, और अगर नहीं मिलेंगी तो फिर हम आप ही की ले जाएंगे मौका पा के। लेकिन या तो आप पता बता दो, नहीं तो हम आपके ही की ले जाएंगे। अरे मैंने कहा ऐसे नहीं पहनी जाती हैं पादुकाएं, तुम लोग फालतू की बात करते हो। बोले कैसे पहनी जाती हैं? हमने कहा पादुका वो पहनते हैं जिनके पैर संभले होते हैं, जिनके पैर संभले होते हैं। अच्छा सबको अभ्यास है पादुका पहनने का, चरण पादुका पहनने का? बोलो नहीं है सबको अभ्यास, थोड़ी है गिर जाओगे एक मिनट में इधर उधर। लेकिन जिनके पैर संभले हैं वो पैर चरण पादुकाओं को संभाले रहते हैं, पैर संभाले रहते हैं पादुकाओं को। लेकिन जूते चप्पल जो हैं तुम्हारे पास वे तुम्हारे पैर को संभाले रहते हैं। बोलो संभाले रहते हैं कि नहीं? जूते चप्पल क्या करते हैं? तुम्हारे पैर को संभाले रहते हैं। लेकिन पादुकाएं वो हैं कि पैर ही पादुकाओं को
संभाले रहते हैं, बोलो संभाले रहते नहीं, पादुका तो इधर भक्ति इधर भक्ति। देखो पहनने जो अनाभ्यासी लोग हैं, जो कभी पहने नहीं है, वो पहली बार पहने पर देखो इधर भग रही उधर भग रही और जबरदस्ती घसीटते जा रहे हैं, है नहीं? अभ्यास की बात है। हम तो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे पादुका पहन करके, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और चढ़ ही गए हैं, चढ़ ही तो आए हैं, चढ़ नहीं आए? देखो रखी है पादुका, क्या पहन के आए हैं बोलो? पादुका ही पहन के आए हैं कि नहीं? चरण जिसके संभले होते हैं उसी को पादुका पहननी चाहिए, और चरण उसके संभले होते हैं जिसका आचरण संभला होता है उसी के चरण संभले हुए होते हैं। जिसका आचरण संभला होता है उसके चरण संभले होते हैं, और ऐसे ही चरणों को चरण पादुकाएं स्वीकार करती हैं। इसलिए सबको चरण पादुका पहनने का अधिकार नहीं है, महात्मा ही पहनते थे और महात्मा को ही पहनना चाहिए, ये परंपरा है। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान राम ने भरत जी को पादुकाएं दी तो भरत जी ने सिर पर रख ली, बड़ी बढ़िया बात है। कहां रख ली पादुकाएं? अब सुनते जाना जरा एक एक बात, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि हम बोलते चले जा रहे हैं तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि समझा दूं, और इतना सरल करके समझा रहा हूं कि मैंने पूरी ताकत लगा दी है प्रसंग को सरल करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी समझ में आ जाए। और इससे ज्यादा यदि हम सरल करेंगे तो हॉस्पिटल चले जाएंगे सीधे, क्योंकि हमारा दिमाग ही खराब हो जाएगा कितना सरल करें। लेकिन नहीं नहीं, तुम लोग समझ रहे हो तभी तो प्रतिक्रिया कर रहे हो, अगर समझे ना होते हमारी बात को, समझे ना होते तो प्रतिक्रिया कैसे करते? एक एक शब्द को सुन रहे हो और बड़ी गौर से सुन रहे हो। तो आइए सुनिए, भगवान राम ने कहा कि आधार आधार दे रहा हूं। आधार क्या दिया? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। अच्छा भैया, आधार के लिए तो पीतांबर भी दे सकते थे, क्यों भाई? दे सकते थे ना कि जीवन जीने के लिए भरत तुम पीतांबर ले जाओ, ये पीतांबर का ध्यान करते रहना, ये पीतांबर आधार बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो पुजारी भगवान का वस्त्र आपको भेंट करता है कि नहीं करता है, बोलो भाई? और आप गले में डाल लेते हो, कहते हो मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि देवता का दर्शन करने आया था, देवता का वस्त्र मुझे मिल गया, अब तो मैं घर ले जाऊंगा पूजा करूंगा, क्यों? यही भाव होता कि नहीं? तो भगवान के पास देने के लिए बोलो पीतांबर था कि नहीं था? पीतांबर भी था, लेकिन पीतांबर तो भगवान ने दूर कर दिया था। भरत के जैसे ही आने का समाचार सुना कि भरत आ गया तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा कऊ पट कऊ निखंग धन तीरा, बोलो भाई पीतांबर अलग कर दिया। लेकिन सत्य तो यह है कि भरत जी को पादुकाएं ही दी भगवान ने, ये चरण पादुकाएं आधार बन गई भरत के लिए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरलीनी। बोले पादुका में अनुभव क्या हुआ? भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिया राम रहेते। भरत जी को उन पादुकाओं में यह अनुभव हुआ कि सीताराम जी मिल गए। क्या मिल गए? सीताराम जी मिले। केवल राम जी नहीं, सीताराम जी दोनों ही मिल गए। पादुकाएं दो होती हैं कि एक होती? जल्दी बोलो, पादुकाएं दो होती हैं कि नहीं कि एक होती? पादुका दो, तो सीताराम दोनों मिले और भरत जी ने सिर पर धारण कर लिया। जैसे ही धारण किया तो भगवान ने कहा भरत अब संतुष्ट हो? संतुष्ट हो कि नहीं? भरत जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा है, ये आधार दे दिया, हम संतुष्ट ही हैं, लेकिन हम थोड़े से संतुष्ट नहीं हुए हैं। भरत जी ने कहा क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हें पादुकाएं दी हाथ में और तुमने रख ली सिर पर। हमने तो हाथ में दी थी, ये थोड़ी कि सिर पर तुम्हारे रखी हूं। अच्छा भगवान ने सिर पर रखी थी भरत की पादुकाएं कि हाथ में दी थी? है? हाथ में। सादर भरत शीश धर लीनी, भरत ने शीश पर रखी, राम जी ने तो
हाथ में प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, हाथ से भगवान ने पादुकाएं भरत के हाथ में दी, लेकिन भरत जी ने सादर भरत शीश धर लीनी। तो भरत, मैंने तो हाथ में पादुकाएं दी थी, तुमने सिर पर क्यों रख लिया? पादुकाएं सिर पर रख ली तुमने भरत? भरत जी ने कहा हाँ सिर पर तो रख ली। तो आधार मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने तो इन पादुकाओं को भार बना लिया। क्योंकि सिर पर कोई वस्तु आ जाती है तो ईमानदारी से बताओ वो सिर के लिए भार बन जाती है कि नहीं? जैसे सिर पर कोई वस्तु आ गई तो वो सिर के लिए क्या बन जाती है, जल्दी बोलो, भार। तो तुमने आधार को भार क्यों मान लिया? भरत जी बोले प्रभु अब आप कुछ भी कहें, लेकिन ये सेवक की यही सोच है कि आपने भार नहीं दिया, आपने तो आधार दिया है। अगर आप 14 साल बाद लौट के आते तो ये 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य भरत के सिर पर भार बना रहता, बना रहता भार के नहीं। लेकिन आपने इतनी बड़ी कृपा की, 14 साल तक अयोध्या के भार को ढोने के लिए आपने चरण पादुकाओं का आधार भरत को दे दिया है। अब भरत के सामने कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अब भरत नहीं चलाएगा अयोध्या के राज्य को, अब तो ये पादुकाएं ही राज्य का संचालन करेंगी, इसलिए सबसे बड़ा आधार मिल गया। बोलो कितना बड़ा समर्पण है भगवान के चरण से, ज्यादा चरण पादुकाओं के प्रति भरत जी का समर्पण है। देख रहे हैं आप, ये चरण पादुकाएं सामने रखी हैं, ये कामदगिर भगवान की चरण पादुकाएं हैं। अगर हम भगवान के कामदगिर के चरण लाते सीधे डायरेक्ट, तो कामदगिर भगवान को लाना पड़ता कि नहीं? तो स्थावर देवता को हम भदौना के सिद्ध बाबा के पहाड़ पर कैसे ले आते? लेकिन याद रखना, विशेषता यही तो है चरण पादुकाओं की कि कामतानाथ स्थावर देवता हैं, उनका संपूर्ण विग्रह तो चित्रकूट में स्थापित है, लेकिन उनकी चरण पादुकाएं सचल रूप से हैं और आज भदौना के सिद्ध बाबा के पहाड़ पर आ गई हैं। तो ये चरण पादुकाएं चल के आ गई हैं, इनको ले आया गया, तो बोलो ये सौभाग्य सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दर्शन का? इसलिए विशेषता इन चरण पादुकाओं की यही है, भगवान की चरण पादुकाएं भरत जी लेकर के वापस आ रहे हैं। एक बड़ा प्यारा दृश्य आ गया चित्रकूट का, उसको भी सुना दूं क्या? भरत जी तो चरण पादुकाएं प्राप्त किए प्यारे, लेकिन महाराज श्री जनक जी जब चित्रकूट आए तो जनक जी महाराज सुनेना जी के साथ चित्रकूट आए। अयोध्या से भरत जी महाराज माताओं के साथ आए हैं, लेकिन यहां सुनेना जी के साथ आए हैं महाराज श्री जनक, और मंत्री आदि सभी साथ में हैं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, रामायण की कथा केवल मात्र आप अखंड विधि से पढ़ें, ये तो परंपरा चली आ रही है, इसका निर्वाह करें, लेकिन रामायण की चौपाई के नीचे जो अर्थ लिखा है उसको जरूर पढ़ा करें। क्योंकि अर्थ यदि आपने सामान्य अर्थ ही लिखा हुआ है, यदि आपने उस अर्थ को पढ़ लिया तो जितने भी व्यर्थ के प्रपंच आपके जीवन में है रामायण का अर्थ उन्हें दूर कर देगा, ये कन्फर्म मान के चलिए। लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए नीचे अर्थ क्या लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हम ही तुम्हें सुनावें और तुम सुनो, ये तो मौका साल में एक बार मिल सकता है, बार बार नहीं मिल सकता है। लेकिन रामायण पढ़ने का और रामायण की चौपाइयों के अर्थ को पढ़ने का मौका बोलो बार बार तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घर में ही मिलेगा, इसलिए जरूर पढ़ना चाहिए। आइए पढ़िए सुनिए, महाराज श्री जनक जैसे ही प्रवेश करते हैं चित्रकूट की भूमि पर, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान ने ही ऐसा दृश्य जनक जी तक पहुंचा दिया। ये जरूरी नहीं था कि जनक जी को इस कंडीशन में ही सीता जी दिखाई देती, लेकिन भगवान की लीला है, भगवान ने ही अपने लीला में, देखो मौसम भी कितना बढ़िया हो गया, ठंडा वातावरण हो गया कि नहीं हो गया, एसी फैल है कि नहीं, जल्दी बोलो, एसी फैल है। अभी गर्मी में कितनी परेशानी थी, लेकिन अब ठंडक सी लग रही कि नहीं, ठंडक महसूस कर रहे हो? ठंडक, ये देखो वातावरण की बात है, हमें भी आनंद मिल रहा है, नहीं तो तुम्हारा ये कूलर वूलर किसी काम का थोड़ी था, ये कूलर किसी काम का नहीं था, लेकिन देखो प्रकृति ने कितना सुंदर वातावरण बना दिया है, इसी को कहते हैं भगवान की कृपा। और बोलो जितने भी लोग यहां बैठे हैं शांति का अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? शांति का अनुभव कर रहे हो?
क्यों ये स्थल ही ऐसा है, वो कथा भी ऐसी है कि जो शांति प्रदान करती है। और यही कथा अगर तुम्हारे हृदय में सदा बनी रही तो हृदय में शांति सदा रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी सदा। बस यही सूत्र अपना के जाना। कल का विश्राम दिवस का कार्यक्रम होगा और महाशिवरात्रि पर्व है, इसलिए विशेष रूप से कल का मेला भी है सिद्ध बाबा के पर्वत पर, और ये सिद्ध पहाड़ पर मेला भी होगा। महाशिवरात्रि भगवान शिव का दिव्य स्वरूप महाशिवरात्रि का रहता है, और विशेष रूप से हमारे यहाँ रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि, ये सनातन संस्कृति के तीन त्योहार मुख्य त्योहार हैं। वैसे तो नवरात्रि में नौ दुर्गा हैं, गुप्त नवरात्रि हैं, त्योहार तो बहुत आते हैं, अरे दिवाली दशहरा ये भी त्योहार आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सनातन संस्कृति में तीन महामहोत्सव माने जाते हैं, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। इसलिए कल कौन सा पर्व है? महाशिवरात्रि का पर्व है। तो आइए सुनिए, मैं अंतिम बात सुना रहा हूं क्योंकि पांच तो बज ही गए हैं, पांच मिनट हो गए हैं। क्या बजे तक चलाते हो मंच? पांच बजे तक। चलो आज दस पांच मिनट ज्यादा चल जाएगा तो क्या कोई गड़बड़ हो जाएगा क्या? हाँ, तो आओ दो पांच मिनट की बात और सुन लो, इसके बाद में विश्राम करना है वाणी को, कल फिर समय से ही मंच प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जनक जी ने चित्रकूट में आकर क्या देखा। एक तो जनक जी महाराज ने भाई भाई का प्रेम देखा चित्रकूट में आके, बोलो देखा कि नहीं देखा? भाई भाई का प्रेम देखा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पिता अगर ये देखे कि दामादों में इतना प्रेम है, क्योंकि दामाद भरत जी भी हैं जनक जी के और दामाद राम जी भी हैं, क्योंकि एक बेटी ब्याही गई राम जी को और एक बेटी ब्याही गई भरत जी को, एक बेटी ब्याही गई लक्ष्मण को और एक चौथी बेटी ब्याही गई शत्रुघ्न को। अब ईमानदारी के साथ बताओ, यहाँ एक साथ चारों दामाद हैं कि नहीं? बोलो जल्दी। चित्रकूट में जनक जी को एक साथ कितने दामाद मिल गए? चारों दामाद मिल गए, चारों दामाद मिल गए। लेकिन सावधान, रामचरितमानस की परंपरा यही आपको शिक्षा दे रही है कि जनक जी महाराज जब बेटी सीता की विदा कर रहे थे तो रो रहे थे, लेकिन चित्रकूट में बेटी सीता को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। जबकि कौन ऐसा पिता होगा जो वनवासी के भेष में अपनी बेटी को देखे? क्यों भाई, वो पेड़ पत्तों के नीचे बैठा देखे और झरने का पानी पीते हुए देखे, जिसने सोने के गिलास में पानी पिलाया हो, जिसने सोने की सैया पर अपनी बेटी को सुलाया हो, ईमानदारी से बताओ वो अपनी बेटी को पत्तों की सैया पर लेटा हुआ देखे या अंजलि से पात्र भी नहीं है हाथ से पानी पीते हुए देखे, कंदमूल फल खाते हुए देखे, पत्तों के बीच में रहते हुए देखे, ईमानदारी से बताओ उस बाप को दुख होगा कि सुख होगा? बोलो जल्दी, दुख होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, इसलिए रामायण को पढ़ना चाहिए। बहन बेटियां भी ध्यान से रामायण को पढ़ें, जितने भी नौजवान हैं वो भी ध्यान से पढ़ें, जो बेटी के बाप बैठे हैं वो भी रामायण को ध्यान से पढ़ें और रामायण को सुने। जनक जी महाराज ने चारों दामादों को देखा एक साथ, कितना प्रेम है, कितना आदर है, बड़े भाई के प्रति कितना समर्पण है। तीनों भाइयों ने बोलो राम जी के चरणों में अपना समर्पण किया कि नहीं किया? राज्य के प्रति जनक जी यही तो देख रहे हैं कि भाई भाई लड़ते हैं संपत्ति के कारण, भाई भाई लड़ते हैं पद प्रतिष्ठा पाने के कारण, लेकिन अयोध्या के भाई राज पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अयोध्या के भाई तो राम पद के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे राम पद मिल जाए, राम पादार विंद मिल जाए। जनक जी ने कहा, धन्य है जनक तेरा जीवन, आज तू अपने आप को कैसे रोकेगा, तेरी प्रसन्नता आज प्रस्फुटित हो जाएगी। जनक जी की प्रसन्नता दिखाई दे गई चित्रकूट में। जब जनकपुर में देखा गया तो जनक जी रो रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, बंधु समेत जनक तहीं आए, उसी बिलोक नयन जल छाए। सीता जी को देख करके रोने लगे, सीए बिलोक धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। बोलो धीरता जनक जी की जनकपुर में चली गई कि नहीं चली गई? और जनक जी ने लीन राह और लाए जानकी,
ओ मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। उस समय इतना धीरज टूट गया जनक जी का कि सीता जी की विदा करते समय दौड़ पड़े और अपनी बेटी को भुजाओं में भर लिया, हृदय से लगा लिया। गोस्वामी बिंदु जी ने बहुत बढ़िया एक छंद लिखा है। गोस्वामी बिंदु जी हुए हैं, बहुत अच्छे वक्ता हुए हैं, बहुत पुराने रामचरितमानस सम्मेलन की परंपरा उन्हीं ने डाली है। उन्होंने एक छंद लिखा है, बहुत अच्छे कवि, उत्कृष्ट कवि। उन्होंने कहा कि जनक जी महाराज ने जब सीता जी को हृदय से लगाया और फूट फूट करके रो रहे थे तो उनकी आंखों के आंसू ऐसे निकल रहे थे जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती, नहीं बरसात में झड़ी लग जाती सावन भादों की, ऐसे ही आंसुओं की झड़ी लग गई, आंसू रुके नहीं। वो दशा जनक जी की। मैं एक बात कहता हूं, बेटी की विदा होती है, बाप की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन आंसू आने के साथ साथ प्रसन्नता भी इस बात की होती कि मैंने आज बेटी का हाथ पीला कर दिया। बोलो भाई, बेटी का हाथ पीला कर दिया। मैं एक बात बाप से पूछना चाहता हूं, जब बेटी का हाथ पीला नहीं करता है बाप, तो चारपाई पे पड़ा रहता है लेकिन रात को रोता है सोता नहीं है। जब तक बेटी का विवाह नहीं कर देता है वो सोता जरूर है बेटी का बाप चारपाई पर, लेकिन सोता है, लेकिन वो सोता नहीं है, वास्तव में वो रोता है, यही चिंता करता है कि कब बेटी की विदा करें, कब बेटी की विदा करें, कब बेटी की विदा करें। क्योंकि बेटी उसके घर की इज्जत है, उसके घर की प्रतिष्ठा है। बोलो है कि नहीं। वो रात दिन रोता रहता है, लेकिन जिस दिन वो बेटी का हाथ पीला करके विदा करता है उस समय आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन प्रेम के आंसू होते हैं। बोलो, दुख के आंसू नहीं होते हैं। किसके आंसू होते हैं? प्रेम के आंसू होते हैं, आंखों में प्रेम के आंसू होते हैं, हृदय में प्रसन्नता होती है कि आज मैं जिम्मेवारियों से मुक्त हो गया हूं, मैंने अपनी बेटी का हाथ पीला कर दिया है, अब मेरा जीवन धन्य हो गया है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से आज मुक्त हो गया हूं। लेकिन जनक जी महाराज उस समय हृदय से रोए प्यारे, हृदय में प्रसन्नता नहीं थी, हृदय से रोए हैं। हृदय में प्रसन्नता जब आई है तब चित्रकूट में आई, जनकपुर में नहीं। यही प्रमाण मैं दे रहा हूं, अंतिम 5 मिनट की बात है, बस इस बात को सुन लेना और वाणी को विश्रामित करूंगा, शेष चर्चा कल करूंगा। लीन राय उड़लाए जानकी, ओ मिटी महामर्याद ज्ञान की। आज ज्ञान की मर्यादा मिट गई। क्यों? बोले जनक जी ने आज बेटी को हृदय से लगा लिया, ऐसे रो रहे हैं जैसे अज्ञानी रोता है, अज्ञानी रोता है। देखत ही सी अमूरत को निज अंग बिसूरत, खोवन लागे मंत्र सवै मन मौन धरे, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, मानो विराग की राख मही, पद्रगंचल बिंदु सुधोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी, हा जान की रोवन लागे। कह आज तो ज्ञान की मर्यादा ही चली गई। लेकिन जनक जी से ज्ञानियों ने कहा कि जनक जी आप ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, जासु ज्ञान रवि भवनिसी नासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, आप ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, लेकिन आज आपका ज्ञान कहाँ चला गया, आज आपका ज्ञान मिट्टी में मिल गया। जनक जी ने कहा तुम मेरे अंतःकरण की बात नहीं समझ पाओगे, अंतःकरण की बात नहीं समझ पाओगे, बाहर के आंसू देख रहे हो। आज जनक क्यों रो रहा है? उत्तर मिल गया है चित्रकूट में कि जनक उस समय क्यों रोए थे, क्योंकि रोना चाहिए था उन्हें चित्रकूट में, लेकिन रो रहे हैं जनकपुर में। बोले चित्रकूट में प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। कब कर रहे हैं प्रसन्नता व्यक्त? जब तापस वेश जनक सिय देखी, भय प्रेम परितोष विशेखी। तपस्वी के भेष में अपनी बेटी को चित्रकूट में देखा, अपने दामाद को चित्रकूट में तपस्वी के भेष में देखा, और भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये तीनों भाई अपना मस्तक झुकाए हुए हैं प्रभु राम के चरणारविंदों में और बार बार प्रार्थना कर रहे हैं,
बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, राजपद नहीं चाहिए इन भाइयों को, केवल राम पद देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जननी ना जाए। ऐसा दृश्य देखा तो जनक ने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी धनुष तोड़ेगा, मैं दशरथ के दरवाजे पर नहीं गया था कि मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, आपका बेटा लायक है, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं आपके बेटों से, लेकिन मैं नहीं गया था, मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि जो भी धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। लेकिन दशरथ के राजकुमारों ने वो वीरता का प्रदर्शन किया कि बड़े बेटे राम ने तो धनुष तोड़ दिया, और राम जी की वीरता के कारण लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, इन तीनों का भी विवाह हुआ कि नहीं हुआ जनकपुर में। लेकिन उस समय मैं यही सोच रहा था कि मेरी बेटी, मेरा नाम विदेह है और मेरी बेटी का नाम वैदेही, लेकिन ऐसे नगर में जा रही है बहू बन के, क्योंकि मुझे आज विदा करना पड़ रहा है, क्योंकि धनुष राम ने तोड़ा है, क्यों धनुष राम ने तोड़ा है इसलिए मुझे विदा करना पड़ रहा है, मैं अयोध्या के राज्य से प्रभावित हूं, लेकिन मैं ही प्रभावित नहीं हूं अयोध्या के राज्य से, मुझसे ज्यादा प्रभावित यदि अयोध्या के राज्य से है तो अवध राज सुर राज सिंहाही और दशरथ धन लख धनद लजाही, देवराज इंद्र भी प्रभावित है अयोध्या के राज्य से, लेकिन मेरी बेटी वैदेही, विदेह की बेटी वैदेही इतने सुविधा वाले नगर में जा रही है जहां खजाना भरा पड़ा है, देवराज इंद्र भी लज्जित होता है खजाने को देख करके, कुबेर भी लज्जित होता है अयोध्या के खजाने को देख करके, मेरी बेटी उस खजाने की मालकिन बनेगी, मेरी बेटी उस खजाने की मालकिन बनेगी, अय विदेह की बेटी वैदेही कहीं राज वैभव को पा करके मेरी बेटी सिद्धांत ना भूल जाए, इस बात की चिंता मुझे सता रही थी। लेकिन चित्रकूट में आकर के मैंने देखा कि मेरी बेटी ने अयोध्या की सुविधाओं का त्याग कर दिया और चित्रकूट में आकर के सिद्धांत का वर्णन कर लिया है, इसलिए आज विदेह की बेटी वैदेही ने विदेह को सार्थक कर दिया है, आज विदेह का जीवन धन धन हो गया है, इसलिए आज जनक जी हृदय से प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। तो उस दिन रो रहे थे मोह के कारण नहीं रो रहे थे, सिद्धांत के कारण रो रहे थे, किसके कारण रो रहे थे, सिद्धांत के कारण। लेकिन बेटी सिद्धांत पे खरी उतरी कि नहीं उतरी बोलो, और जब बेटी सिद्धांत पे खरी उतरी तो आज जनक जी ने तपस्विनी के भेष में भी बेटी को देखा, लेकिन आज हृदय प्रसन्न हो गया। जीवन में सुविधाएं नहीं, हमें सिद्धांत चाहिए, बेटियों को भी चाहिए कि सुविधाएं चाहे जैसी मिल जाएं, लेकिन सिद्धांत का सदा वर्णन करना चाहिए, सिद्धांत का जीवन जो जीती है वही समाज में सीता के रूप में सम्मान प्राप्त करती है जिसने अपने जीवन में सिद्धांत को स्वीकार किया है, और सुविधाओं को जो हमेशा ताकती झांकती और सुविधाओं को ही मांगती रहती है वही सूपनखा हो, जो डिमांड पर डिमांड करे, डिमांड पर डिमांड करे, सुविधा ही सुविधा, सुविधा ही सुविधा। देखो भाई, ये रामायण की बात सुना रहा हूं मैं अपनी, भाई हमें कोई सरपंची का चुनाव लड़ना, तुमसे वोट लेने हैं, हम तो साफ साफ बात कहेंगे, जितनी बात होगी उतनी साफ साफ कहेंगे, और तुम्हें हमारी बात सुननी भी पड़ेगी और सुनने के साथ साथ माननी भी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि चित्रकूट की भूमि पर जो प्रेम दिखाई दे रहा है प्यारे, इस प्रेम को देख करके 33 करोड़ देवता भी आज लज्जित हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं कि हम लोगों में इतना प्रेम नहीं है, ना ऐसा प्रेम मैंने आज तक देखा है, पहली बार ऐसा प्रेम देखा जा रहा है कि प्रेम ही प्रेम है। बोले परम प्रेम, गोस्वामी जी बोले प्रेम नहीं, अरे परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई। यहां प्रेम नहीं, यहां तो परम प्रेम है, इसलिए आपस में भाई भाई प्रेम बना के चलें, सास बहू में प्रेम हो, गांव वालों में प्रेम हो, पड़ोसियों में प्रेम हो। मैं कहता हूं जब इतना प्रेम, ऐसा प्रेम जो रामचरितमानस की कथा के माध्यम से
भरत चरित में सुनने को मिल रहा है, राम भरत में देखने को मिल रहा है। अगर इसी प्रकार का प्रेम परिवार और पड़ोसियों गांव में आ जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं अयोध्या में रामराज बाद में आएगा, पहले आपके गांव में रामराज आ जाएगा, आपके घर में रामराज आ जाएगा। ये रामायण का सिद्धांत है जो मैंने आपको सुनाया।